नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लॉकडाउन के बाद रोडवेज डिपो में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल फिर से खोल दिया गया है। कोरोना काल के दौरान 7 माह से ये स्कूल बंद पड़ा था। इसके चलते आवेदकों की वेटिंग लिस्ट 2530 पहुंच गई। अब पुनः इन गतिविधियों को शुरू किया गया है। हैवी व्हीकल लाइसेंस लेने के इच्छुकों को राहत मिली है। इस दौरान भी बंद हुए बैच को दोबारा शुरू कर दिया गया है। 91 ट्रेनरों की शेष अवधि, जो ट्रेनर थे उनकी जो शेष अवधि है उन्हें पूरा किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क पहन कर आना अनिवार्य बताया गया है। 7 बसों पर 15-15 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नया बैच सुबह शाम के 7 और 31 अक्टूबर से शुरू होगा। इन दोनों बैचों में 220 ट्रेनरों को बुलाया जाएगा। साथ साथ बसों में 2 ग्रुप बना करके ट्रेनिंग शुरू की जाएगी और बसों को समय पर सैनिटाइज भी किया जाएगा ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। पलपल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान 10-15 दिन बच्चों के बैच के रह गए थे। वो जैसे ही अब सरकार की हिदायतें मिली हमें, तो उन्होंने उस हिदायतों के अनुसार वो जो 10-15 दिन बच्चों के बैलेंस थे वो हमने दोबारा शुरू करवा दिया उनका। और 31 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, जो कि डबल बैच है। उसमें 220 बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग लेंगे। अभी 91 बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। किस तरह के बैच बढ़ते जा रहे हैं? पहले आते ही उनका थर्मल स्कैन किया जाता है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद सैनिटाइज उनके हाथ करवा के प्रॉपर मास्क वगैरह लगाकर, अगर मास्क नहीं होता तो मास्क अपने पास से देके फिर उनको अंदर 15-15 बच्चों को हम अंदर एंटर करते हैं। फिर 15 के बाद फिर नेक्स्ट 15 सैनिटाइज करते हैं क्लास को, फिर दोबारा 15 बच्चे आते हैं। ऐसे 15-15 बच्चे करके हम 6 बार में उनकी हाजिरी लगा के उनको बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भेज देते हैं। 2530 वेटिंग लिस्ट है जी आज की डेट में, तो 7.5 साल तक तकरीबन नंबर आ जाता है उनका। बसें अभी फिलहाल 7 बसें चल रही हैं हमारी। आगे जब डबल बैच होगा तो उसमें 14 बसें हो जाती हैं। सुबह शाम का बैच हो जाता है, सुबह 6 से 2 और शाम को 2 से 10।